हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत की फसलों पर, यानी कि कृषि पर आधारित सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पर। ठीक है, जिसमें मैंने टॉप 35 MCQ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये स्पेशल डोज है आपके RRB NTPC 2020 और 2021 के लिए। तो दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, अब की बार रेलवे पार। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए। मैंने बार बार आप लोगों को कहा अपने वीडियोस में, कभी भी वीडियो को स्किप मत करिए, या तो देखिए ही मत। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए। आप स्किप करते हैं तो फ़ायदा ही क्या है आपको ओपन करने का या 2-4 मिनट देखने का। ठीक है, अगर स्किप कर रहे हैं, आप ही मिस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यकीन मानिए कि इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है। कर्नाटका, असम, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, असम में, यानी कि आसाम में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बागान फसल आवश्यकता से ज्यादा उत्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बागान फसल आवश्यकता से ज्यादा उत्पादित होता है। चाय, खाद्य अनाज, पेट्रोलियम या रबड़। यानी कि हमारी आवश्यकता से ज्यादा जो चीज का हम उत्पादन करते हैं वो है चाय। ठीक है, नेक्स्ट है, असम की बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि असम की बराक घाटी कौन सी फसल की खेती के लिए मशहूर है। पाम ऑयल, चाय, गन्ना या कॉफी। द राइट आंसर इज द सी, गन्ने के लिए। ठीक है, गन्ने की खेती के लिए। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या केरल। द राइट आंसर इज द डी, इज द केरल, जहाँ पे रबड़ की खेती बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ मसालों का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है वो भी केरल में ही होता है। निम्नलिखित में से कहाँ इलायची का उत्पादन नहीं होता है। इलायची का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, तो केरल, कर्नाटका, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो राइट आंसर है सी, उड़ीसा में। ठीक है, इलायची का उत्पादन नहीं होता है, उसके अलावा केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु तीनों जगह इलायची का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग के नाम से जाना जाता है। आई थिंक ऑलमोस्ट 95% लोगों को ये पता होगा, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में। बिकॉज केरल में जो मसाले उगते हैं वो नॉट इंडिया में ही बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति से संबंधित है। कॉफी, गोल्ड, बांस या चाय। तो राइट आंसर है डी, चाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन गोल्ड क्रांति यानी कि चाय से संबंधित है। गंगा डेल्टा क्षेत्र समृद्ध, उपजाऊ और अनुकूल तापमान व वर्षा के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर है ए, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, कहाँ पर है। बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एकेडमी है ये आपकी है हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर, इलाहाबाद में, फैजाबाद में, कानपुर में या इंदौर में। तो राइट आंसर है सी, इट्स अ कानपुर। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति की गई। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति। तो राइट आंसर है बी, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो आई थी व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। कच्छ का रण, दक्षिणी पठार, सिंधु घाटी, सिंधु गंगा घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है, वर्गीज कुरियन संबंध है श्वेत क्रांति से।
पीली क्रांति से, हरित क्रांति से या नीली क्रांति से? तो इनका संबंध है श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से। हाई यील्ड वैरायटी कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है क्या? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारंपरिक कृषि या नव कृषि नीति? तो राइट आंसर है डी, नव कृषि नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का धान जीन बैंक कहां पर स्थित है? चीन में, फिलीपींस में, जापान में या भारत में? तो जो विश्व का धान जीन बैंक है वो है फिलीपींस में। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहां? हैदराबाद में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या गाजियाबाद में? तो ये है गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या है 16, 20, 27 या 31? तो राइट आंसर होना चाहिए बी, ठीक है 20। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है या प्रांत है भारत में जहां पे सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या इन सभी से? तो राइट आंसर डी, इन तीनों से ही इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर सी, इट्स उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है आपका सी, सॉरी बी, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, विटी कल्चर से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना, मिट्टी पर पैदावार करने का विज्ञान व कला या फसलें उगाना और पशुपालन करना, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन या अंगूर की खेती करना? तो विटीकल्चर इज रिलेटेड विद अंगूर की खेती करना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? कपास का, तिलहन का, दलहन का या मक्का का? तो ये है दलहन का। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन है? ब्राजील, अमेरिका, भारत या जापान? ये है भारत। यानी कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन है? भारत। लेकिन भारत में ही, अगर आप किसी मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब 60 या 70 रुपये लीटर से नीचे दूध नहीं मिलता है। मतलब सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के बावजूद भी भारत में दूध इतना महंगा बिकता है। भारत के किन राज्यों में गंगा सबसे ज्यादा पैदा होती भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश? तो सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है बिहार और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, उद्यान कृषि से, मधुमक्खी पालन से? तो राइट आंसर है आपका बी, उद्यान और कृषि से। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो ये खलिहान बीमा योजना जो आरंभ की गई थी वो उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर? राइट आंसर इज द बी, हैदराबाद में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? ऑपरेशन फ्लड सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर, बाढ़ नियंत्रण पर, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर या प्रचुर मात्रा में अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने पर? तो राइट आंसर है ऑपरेशन फ्लड जो बेस्ड था वो था कि मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि दुग्ध उत्पादन को कैसे ज्यादा किया जाए, बढ़ाया जाए। खाद्य व कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या रोम में? राइट आंसर इज द डी, रोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है क्या? तिलहन, गेहूं, चावल या दलहन? तो राइट आंसर है ए, तिलहन। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, देहरादून में या सूरत में?
सूरतगढ़ में। तो राइट आंसर है आपका नई दिल्ली में। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति, ठीक है ना, ब्लू रिवोल्यूशन हम कह सकते हैं, ठीक है, कृषि से, नील की कृषि, या मुर्गी पालन, या मत्स्य पालन, या पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो राइट आंसर है मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 में, 1970 में, 1975 में, 1985 में। तो राइट आंसर है आपका 1970 में। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक, पोटेसिक, या तीनों के बराबर। तो राइट आंसर है ए, भारत में जो नाइट्रोजनिक रासायनिक उर्वरक है उसकी खपत बहुत ज्यादा है। तो विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? रूस में, चीन में, अमेरिका में, या भारत में? तो राइट आंसर है आपका चीन में। तो दोस्तों ये थे टॉप 36 क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो को देखिए ध्यान से, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मेरे स्कोरअप के फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDF और फ्री क्विज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और टेलीग्राम चैनल का और फेसबुक के स्कोरअप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RRB NTPC एग्जाम, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।